नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका जोर्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी में और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका। आज की वीडियो ये बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग पेरेंट्स हैं, या तो जिन्होंने अपने बच्चों का नाम रख लिया है या जो पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रखने की सोच रहे हैं। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक हमारी डेट ऑफ बर्थ और एक हमारा नाम। डेट ऑफ बर्थ तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है, उसने फिक्स किया है कि कब किसको कब इस दुनिया में आना है। लेकिन हम अगर अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो वो तो पूरे हमारे ही हाथ में है। हम सोचते हैं, आजकल के पेरेंट्स तो अच्छे अच्छे नाम सोचते हैं, इवन गूगल सर्च करते हैं, या जिन नामों का अच्छा अर्थ निकलता है या अपने नामों से मिलता जुलता नाम रखते हैं, तो बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट कौन सा है जिससे आप नाम रखें, जिससे उस बच्चे पे उस नंबर्स के या उसके भाग्यांक का जो इफेक्ट है वो सबसे अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं ये सब बताऊंगी आपको, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं जिस लेटर की बात कर रही हूँ वो है डे और उसके बाद सी। अब डी से रखने से देखिए सारे ही अल्फाबेट अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो जिस डी नाम से हम जब बच्चे का नाम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। अब आप कहेंगे, अपने आसपास सोचेंगे तो देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी सफलता की मात्रा किस में ज़्यादा है, मीन्स हमारे प्रतिशत किस में ज़्यादा है, तो आप इस पर भी देखिएगा। तो जो डी नाम वाले लोग होते हैं वो अवश्य कहीं ना कहीं किसी फील्ड में ज़रूर आपको सफल मिलेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे में किसी अगर क्लास में कोई बच्चा डी नाम का है उससे भी कंपेयर करके देखिए। हाँ, मैं फिर वही कह रही हूँ, अपवाद हर जगह होते हैं, तो इस पे ना सोच के हमें ये सोचना है कि हम जो नाम रखते हैं उसमें सफलता के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा मैंने फील किया या मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, इसलिए आपके साथ ये बात शेयर करूँगा। एक्चुअली जो नाम होता है वो अपने आप में उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व सब कुछ दर्शाता है। और जो अगर डी नाम से मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप रखें, क्योंकि इसका जो भाग्यांक के साथ कनेक्शन है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप अपने बच्चे का नाम डी से रखते हैं, आप उसको मैच कराइए, और डी से रखने के बाद अगर वो डेट ऑफ बर्थ मीन्स न्यूमरोलॉजी से मैच करे, उसके डेट ऑफ बर्थ से मैच करे, तब तो ये बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो डी नाम से रख के देखिए, आपको खुद बदलाव दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है, जो डी नाम वाले लोग होते हैं ना वो कभी असफल नहीं होते हैं, मीन्स अगर होंगे भी तो कोशिश के बाद, और तभी होंगे कि वो क्षेत्र उनके लिए शायद नहीं बना है इसलिए। लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है, ये बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, इन्हें हारने की आदत नहीं होती है। अगर उसमें क्या होता है कि जब डी की पॉजिटिविटी है ना वो ऑटोमेटिक आपके नाम के साथ जुड़ती चली जाती है, वो भाग्यान के साथ जुड़ जाता है, तो इसके जो प्लस पॉइंट है उस नाम के साथ उस बच्चे के नेचर में आने लग जाते हैं। और ये होता ये है कि बच्चा किसी क्षेत्र में हारने की कोशिश तो नहीं करेगा, हाँ थोड़ा जिद्दी हो सकता है, लेकिन वो समय के साथ धीरे 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 वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या गुस्सा भी आता है तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उसका थोड़ा तो माइनस पॉइंट होगा, तो इसके लिए। लेकिन ये कभी नुकसान नहीं करेगा, अगर गुस्साते भी हैं तो थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, ऐसा होता है। डी नाम जो होता है वो भाग्यांक का नंबर होता है, ऐसे लोग वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचना ही उनका तय है, और ये क्षेत्र खुद वो नाम ही डिसाइड करेगा कि किस क्षेत्र में बच्चा आगे जाने वाला है। अगर आप अपने बच्चे का नाम डी से रखते हैं तो वो किसी भी धुन के पक्के होते हैं, उन्हें वो चीज़ पानी है जिसकी उन्होंने इच्छा रख ली है। एक बार किसी चीज़ को पाने की सोच लेते हैं तो उसे पाके ही रहते हैं, उन्हें हारना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, अपनी मेहनत और लगन से वो सफलता जरूर हासिल करते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से स्ट्रगल हो, लेकिन लास्ट में आप देखिएगा उन्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये तो एक डी नाम हुआ। अब लोग सोचेंगे कि जिन्होंने अपने बच्चों का नाम रख दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन आप उनका कोई निकनेम रख दें, घर का नाम रख दें, और सबके मोबाइल में उस बच्चे का नाम उसी डी अक्षर से जो भी आपने निकनेम रखा है बच्चे का, आप उससे सेव कर लीजिए, इसका भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है।
और जो नाम रखने की सोच रहे हैं वो डी से रखें, और उसका उसके बाद जो ऑप्शन होता है वो सी होता है, लेकिन आप डी से रख के देखिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये तो अपने हाथ में ये भी होता है कि आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन आप डी से रख के देखिए, खुद आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी चेंजेस जाते हैं बच्चे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।